हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा आर एस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का लाखों की तादाद में स्टूडेंट काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा 2019 में जो कंप्यूटर टीचर था उसको शिक्षक कैडर में शामिल करने की घोषणा की गई थी। वो लगभग 2 साल खत्म होने को आए, लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी जो भर्ती 14,000 प्लस पदों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई थी, अभी तक इसकी भर्ती नहीं निकाली गई है। तो इसको लेकर के स्टूडेंटों में, टेक्निकल स्टूडेंटों में जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री या फिर जो भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उनमें काफ़ी रोष है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कहा गया था जल्दी इसकी भर्ती निकाली जाएगी। खुद गोविंद सिंह डोटेसरा ने भी विधानसभा में कहा था कि जल्द से जल्द इसकी भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन दोस्तों अभी तक इतना टाइम हो चुका है, इसकी भर्ती नहीं निकाली गई है। और दोस्तों अब जैसा कि जो विद्या संबल योजना है उसमें जो सरकार के द्वारा जो संविदा के रूप में यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही, तो दोस्तों अब यहाँ पर भी खतरा मंडरा रहा है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर कि कहीं इसकी भी संविदा पर भर्ती ना निकाल दी जाए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है संविदा का मतलब होता है कि आपकी नौकरी परमानेंट नहीं रहती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से स्टूडेंटों में काफ़ी रोष है। और दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर और लोग ये आपको ये कह रहे हैं कि इसके लिए ट्विटर वार चलाया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुँची जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है तो ट्विटर कैंपेन चलाने से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात नहीं पहुंचती है। दोस्तों इसके लिए उपेंद्र यादव जी खुद कह चुके हैं कि आपको आगे आना होगा, जब तक आप आगे आकर के धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं करोगे, स्ट्राइक नहीं करोगे, तब तक आप यही सोच के चलिए कि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी और क्या पता सरकार के द्वारा संविदा पर भर्ती निकाल दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा भी सरकार को सख्त चेतावनी दी गई। इसको लेकर भी हम अभी आगे बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको बताया ट्विटर कैंपेन के जरिए, डिसलाइक के जरिए आपने देखा होगा जो रेलवे एग्जाम था एनटीपीसी का ग्रुप डी का, उसके लिए सरकार के द्वारा जो स्टूडेंटों के द्वारा कैंपेन चलाया गया था कि डिसलाइक करो मन की बात को, ये चला। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है रेलवे का इतना 2018 की वैकेंसी एनटीपीसी ग्रुप डी की अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई, अभी तक भी पेपर चल रहे हैं, उसके बाद में ये तो फेज फर्स्ट है, फिर इसका रिजल्ट आना बाकी है, फिर उसके बाद फेज सेकंड आएगा। तो दोस्तों ऐसे आते आते 2018 की भर्ती को पूरा होने में लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों साफ साफ उपेंद्र यादव जी के द्वारा ये कहा गया कि जब तक आप खुद आगे होकर के सरकार का विरोध नहीं करोगे, धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, हड़ताल नहीं करोगे, स्ट्राइक नहीं करोगे, तब तक आप भूल जाइए कि आपकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आएगी। और दोस्तों यहां पर बड़ी बात यह भी है दोस्तों, अगर सरकार के द्वारा इस भर्ती को संविदा पर निकाल दिया जाए, क्योंकि दोस्तों अब जो स्टूडेंट ये बोलते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि ये बोलते थे कि हाँ निजीकरण बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी के द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि निजीकरण आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब खुद जो कंप्यूटर टीचर की तैयारी करें उन स्टूडेंटों का, जब खुद यहां पर निजीकरण का खतरा मंडराने लगा है संविदा पर, जब जाकर के इन लोगों को अक्ल आई है। लेकिन दोस्तों अब आपको अब बिल्कुल ही आगे होकर के ये करना है, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा भी यहां पर आज हाईकोर्ट के द्वारा भी यहां पर सुनवाई है दोस्तों, 5 अप्रैल हो चुकी है, क्योंकि 15,000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में आज 5 अप्रैल को सुनवाई है। अब नए सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार से शपथ मांगा था हाईकोर्ट, कल बड़ा फैसला, मतलब आज बड़ा फैसला दे सकता है। युवा चाहते कि भर्ती नियमित हो, संविदा पर नहीं हो, तो इसको लेकर के आज राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला आगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी फैसला आता है हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूले, ताकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों हमें जागना होगा, हमें चाहे अनशन करना पड़े, स्ट्राइक कर हड़ताल करनी पड़े, हमें करना पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर कैंपेन चलाने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद आगे होकर आप सरकार के अपनी कानों तक आप आवाज नहीं पहुंचाओगे दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।